जन्मदिन पर दो दोस्तों ने किया देदान, बोली मिट्टी में मिलना ही है तो क्यों ना किसी के काम आए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नौजवानों के फैसले को किया सलाम, जमकर की सराहना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले की है, जहां दो युवकों ने अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पहुंचे दो युवकों ने अपना शरीर दान किया है। ये दान इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही दान करने वाले युवक का जन्मदिन भी है, जिसके जन्मदिन पर उसके दोस्त ने भी अपना शरीर दान किया है। दरअसल सचिन कुशवाहा कटरा का रहने वाला है, जो अक्सर समाज सेवा से जुड़ा रहा है और रक्तदान करता रहा। आज उसका जन्मदिन था, जिसने ये तय किया कि वह अपने शरीर को एनाटॉमी विभाग मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई के लिए दान करेगा, जिसके लिए उसने हलफनामा भी पेश किया है। युवक के इस जज्बे को देखते हुए उसके दोस्त ने भी मृत्यु उपरांत अपना शरीर एनाटॉमी विभाग को दान देने का निश्चय किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने युवकों की सराहना की है। भाव आए आपके मन में? हमारा सर जो शरीर है, तो जब हम इस दुनिया से जब चले जाते हैं, तो हम चाहे कितने भी पावरफुल में रहें, चाहे कुछ भी रहें, हमारी जो शरीर मरने के बाद अगर हमको दफनाएंगे तो भी हम मिट्टी बनेंगे, अगर बॉडी जला दें तो भी हम मिट्टी बनेंगे। हमारी सोच ये है कि हम मतलब कि इस दुनिया से जब जाएं, तो मतलब कि हमारी शरीर भी मतलब किसी के काम आए। हमारे यहाँ पे जो मेडिकल छात्र हैं, उनके लिए जो बॉडी होती है, उनके लिए मानव शरीर बहुत ही काम आता है। उसी वजह से सीखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और पूरे दुनिया में, और उन्होंने सबका इलाज करते हैं। जैसे कि सचिन भाई का आज बर्थडे भी है और देहदान का फैसला है, हालाँकि मैं बहुत पहले से सोच रहा था, लेकिन ऐसा कोई दिन डिसाइड नहीं कर पाया अपने आप पर। तो आज इनका बर्थडे था, तो हमने सोचा चलो इनके साथ इस दिन की शुरुआत की जाए, इस मिशन की। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है देहदान देना, क्योंकि जब हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, उस समय यदि हमारी कीमत बढ़ती है, तो अच्छी चीज़ है। कम से कम कभी तो हम वैल्यूएबल हुए इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, संदेश देने के लिए। मैंने अपनी इच्छा से और अपने आप में अपने आप को बेहतर समझ कर डिसीजन लिया। ये दो लोगों ने फॉर्म जमा किया है, किस तरीके की इसकी प्रोसेस रहती है और क्या लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने की ज़रूरत है और इससे फ़ायदे क्या हैं बच्चों को पढ़ने के मेडिकल कॉलेज से प्रबंधन? आज मैं यहाँ पर लोगों में विगत 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और पहली बार मैंने देखा ये इतने यंग लड़के जो हैं इस कार्य हेतु डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी में अपनी देहदान कर रहे हैं। सचिन जो यहाँ पर आए दिन ब्लड डोनेशन करते रहते हैंगे, तो एक उनके अंदर पहले से एक ये बड़ा जज्बात है कि किस तरह से हम समाज की सेवा कर सकें, क्योंकि रक्तदान आज हम लोगों की बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हमारी जितनी डिमांड है उतनी पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे हमारे यंग जो लड़के, यंग जनरेशन है, आज आगे बढ़ रही है। आज सचिन का बर्थडे है, उन्होंने उस पर अपना रक्त देहदान भी किया है, और दूसरा साथ ही साथ में उनके मित्र पदुम हैं जो उनके मित्रता को निभाते हुए उनके जन्मदिन पर भी उन्होंने भी देहदान का पत्र, जो हमारा एक फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में, वो भरा है और एक एफिडेविट भी जमा किया है। तो ये ऐसा दान है जो हमारे मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसी से आगे अनेक इस पर रिसर्च किया जाता है। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बाकी मेडिकल साइंस में काफ़ी जो रिसोर्सेस हमको मिल जाते हैं, केवल हमारे बच्चों की स्टडी के लिए जो नहीं मिल पाता है वो है एक देहदान। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत ही इन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा अन्य समाज के जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी इंस्पायर्ड होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी आगे आएंगे। तो मैं पुनः इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ।